बनाती है पारधियों को अपराधी, ऐसा कहना है पारधी समुदाय के युवाओं एवं महिलाओं का। एक अनोखी पहल के तहत पुलिस अधीक्षक गुना आज पारधी बाहुल्य क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने पारधी समुदाय के लोगों से चर्चा की और जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों ये लोग अपराध की तरफ अपना रुख करते हैं। वहां पुलिस अधीक्षक को सिर्फ सुनने को मिली पुलिस की बुराई। युवाओं एवं महिलाओं का कहना है कि उनके बच्चों को जबरन पुलिस केस में फंसा देती है, अपराधी बनने को मजबूर कर देती है। साथ ही पुलिस अधीक्षक को कुछ ऐसे भी बच्चे मिले जो पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की वजह से वह कुछ नहीं कर पा रहे। मौके पर पुलिस अधीक्षक को पुलिस विभाग की कई सारी बुराइयां भी सुनने को मिली, साथ ही कई सारी कामयाबी उजागर हुई। आपको बता दें कि पारधी समुदाय के लोग पूरे देश में अपराध करने के लिए प्रख्यात हैं और उनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या गुना में मौजूद है। इस समुदाय के कई लोग तो इस कदर जघन्य अपराधों को अंजाम दे चुके हैं जिसके बारे में कल्पना करने से आदमी ही सिहर जाए। पुलिस अधीक्षक का यह दौरा केवल इसलिए था कि ज्यादा से ज्यादा पारधी समुदाय के लोगों से मुलाकात हो सके और उनकी परेशानियों को जाना जा सके, जिससे उनको अपराध की तरफ जाने से रोका जा सके। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस प्रशासन के साथ पारधी समुदाय के लोगों के बीच बैठकर भोजन भी किया। अब देखने लायक होगा कि पुलिस अधीक्षक का यह नया पैंतरा किस कदर कामयाब होता है। इससे पहले भी 1993 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने भी ये कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई सार्थक रूप देखने को नहीं मिला। जागर से ग्राउंड रिपोर्टर जालम करार की रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन यहाँ लगवा दो तो स्कूल के पास सब चोर डकैत यहाँ हो के निकलते हैं पूरे। ये थाना लगवाओ साहब। बहुत लोगों ने कुकर्म कर लिए, बहुत लोगों ने जो है अब जब आएंगे तो सब लोग वही आना चाहते हैं। समाप्त हो गई है और अब ये शांति से जीवन यापन कर रहा है। तुम्हारे ऐसे लोगों के नाम नहीं जानते मुझे जिनके ऊपर अपराध है, और वो कहाँ पर है बताना भी मत बताना कभी, मगर ये इनका नाम बताओ कि जो अपराध में नहीं है, ताकि उनके नाम हमारे साथ रह सके और वो लोग जो है वो हमारे स्कूल के नहीं रह सके। जरूर कर दूंगा कि सब लोग जो है वो अपने अपने बच्चों के नाम लिखवा दे, ग्राम रक्षा समिति में पुलिस के साथ जोड़ दूंगा उनको, ताकि आगे जाके कोई भी अपराध ना करे और उनके ऊपर फिर हम लोग भी ध्यान रखेंगे, अपराध भी नहीं करेंगे। और अगर सुन लो, और अगर पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद में अच्छी खासी नौकरी भी हो जाएगी। कि मैं ये चाहता हूं कि जितने भी हमारे यहाँ पे ये पारधी समाज के लड़के हैं, ठीक है ना, जो आपका भविष्य है, ठीक है, जो भूत में हो गया उसके ऊपर अभी आज मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। आज मैं एक चीज लेके आया हूँ कि जो आपका भविष्य है, जैसे ये लड़का, ये छोटा बच्चा, अब आगे जाके ये वो जो अपराध की दलदल में ना फंसे। साहब हमारी ये फोड़ दी, हमारा ये कर दिया, तो पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, तुम्हारी गोली मारोगे तो नहीं साहब। फिर और वो कितनी बार चीजें समझाई, कितनी बार बोला, अब वो बता रहे कि साहब मेरे 3 साल पहले जब वो सीधा पकड़ा गया था उसके बाद में फिर ये कर दिया वो कर दिया, ट्यूबवेल नहीं दी थी। भाई ट्यूबवेल नहीं दी तो ट्यूबवेल के लिए गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे कलेक्ट्रेट है ना, जाके वहाँ पे ट्यूबवेल के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया और क्यों नहीं ट्यूबवेल बनवाई। अब मैं 7 दिन के बाद आऊंगा यहाँ से पूरा राजस्व विभाग लेके इसी गाँव में, और सारी प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारी एक साथ सॉर्ट आउट होगी, सारी की सारी पूरे गाँव में शिविर लगेगा और उसके बाद तुम्हारी प्रॉब्लम मैं ये नहीं सुनूंगा कभी भी। हेलो सवाई कर दूँ।
बना चलो बैठो यो कुड़ी जी ले मैं मरता मोबाइल नहीं वीडियो एक मिनट मारी ऑन कर ले अरे ऑन से अच्छा आप तारीख करने जाते हैं कोर्ट में हाँ तो क्या होता है हम जाते हैं तारीख करने तो मतलब हम निकलते हैं तारीख करके निकल जाते हैं तो कहाँ पे निकल जाते हैं घर तरफ चले जाते हैं कहाँ से निकलते हैं आप यहीं कोर्ट से निकल जाते हैं हम कोर्ट से गुना से हाँ गुना से निकल जाते हैं अच्छा वो सामने पहाड़ है पहाड़ है उनमें लग रहे थे पुलिस वाले कहाँ के पहाड़ है ये पहाड़ है मतलब ये फाटक है फाटक के सामने से गड़ा फाटक हाँ बस वहीं से लग रहे हैं वहाँ जाते में जाते वो पकड़ लेते हैं कौन पकड़ता है यही गुना वाले पुलिस वाले गुना पुलिस वाले रुठिए कोई तो कोई भी आ जाते हैं आगे मेरे को पकड़ा था रुठिए वाला उन्होंने झूठा केस लगा के मेरे को डाल दिया अंदर कुछ भी मैंने मैं पढ़ता था पांचवी क्लास में मैं पढ़ रहा हूँ अभी भी पढ़ रहे हैं हाँ पढ़ रहा हूँ अभी भी मेरे पास टीचर सब है मैं पढ़ता हूँ गुना में पढ़ता हूँ मेरी खेती बाड़ी है उनको करने में तो आ जाता हूँ सिचुएशन तो अच्छा दिया उन्होंने जैसे कि नया बदलाव लाने की कोशिश की है उन्होंने और ये सब मतलब इतिहास में गुना जिले में पहली बार हुआ है कि कोई ACP साहब यहाँ गांव में आकर और गांव की समस्या जानने की कोशिश की है और उनके परिवार बच्चों कैसी ज़िंदगी कैसे चल रही है कैसे क्या बीत रही है उनके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की है और उन्हें आगे बढ़ाने की भी बात कही क्या आश्वासन दिया आपको आप इस समुदाय से आते हैं इस गांव के पढ़े लिखे हाँ मैं पहला लड़का हूँ इस गांव से चक्कनेरा विश्वनगर से जो मतलब कॉलेज पूरा किया है अब तक और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे अच्छी नौकरी मिले और मैं नौकरी करके अपने गांव और समाज का विकास करना चाहता हूँ आपने क्या किया क्या आश्वासन दिया एसपी मोदी ने जी कहा है कि मुझे एक महीने तक मतलब TI साहब के अंडर काम करना पड़ेगा वो जो भी मुझे पूछेंगे या मेरा आचरण या स्वभाव देखेंगे मैं किस कैपेसिटी से काम करता हूँ उस कैपेसिटी से मुझे काम देने की बात कही है उन्होंने फर्स्ट ईयर चल रहा है मेरा आज एसपी मोदी आपको क्या लगा हाँ उन्होंने अच्छा बताया कि हम हमारे भविष्य के बारे में हमारा भविष्य सुधारना चाहते हैं वो और ऐसे पहली बार हुआ है कि कोई गाँव में आया है SP आज तक और उनके अंदर उन्होंने बताया कि हमें नौकरी मिलेगी उनको एक महीने तक अपने पास रखेंगे अच्छा इसके अलावा आपके जो और भी लोग हैं और भी युवक हैं जो अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं हाँ। तो क्या पुलिस का इसमें क्या सहयोग रहता है या उनका आपराधिक दुनिया में आपको धकेलने का हाथ रहता है कुछ अपराध रहते हैं और कुछ उनको जबरदस्ती अपराध की दुनिया में धकेल देते हैं पुलिस वाले अच्छा एक इंजीनियर आपके कौन थे वो मेरे जीजाजी अरुण पाल जी हाँ वो कोटा से इंजीनियर कर रहे थे उनका भी जबरदस्ती वो मुठभेड़ में उनका नाम लिखा दिया मुखबेर अब कहाँ आज वर्तमान हालात में कहाँ वो यहीं पे अभी क्या नाम है आपका शर्मा भाई बताइए भैया हमारा कोई सुविधा नहीं हो रहा है भैया पढ़ता है एक ने पढ़ाई छोड़ दी विष्णु ने मतलब झागर जाता था पढ़ने के लिए तो वहाँ से रस्ते में से उठा के उसे केस लगा दिया विष्णु ने तो उसने पढ़ाई छोड़ दी विष्णु कौन है पुलिस वाला अच्छा और उठे थाने में है था आगे अनु है अभी भी है वही पकड़ता भी है और क्या करता है को पकड़ के डाल देता है केस लगा देता है भैया ने पढ़ाई छोड़ दी मम्मी है पापा ग्वालियर की जेल में पूरे साल ही रह के मर गया वही ग्वालियर की जेल में खत्म हो गया अब भैया गुना पड़ रहा है हम पांच बहने हैं अब मम्मी कहाँ से लाके हमको खिलाती है जैसे पेंसिल मिल रही है उनको 300 रुपये महीना छह महीने हुए अभी अब भैया हमारे पास कोई नहीं है अच्छा अभी आप एक बार बताइए SP महोदय आए हैं आपके यहाँ तो उनसे आप लोगों ने उनको बताया उनको भैया ने बताया रामपाल पारदी ने बताया वो भैया है तो SP साहब ने कैसा अच्छा आश्वासन दिया आपका ख्याल रख रहे हैं वो हाँ अच्छा दिया उसने भैया को बोला तुम हमारे अंडर में काम करोगे तो हम तुम्हें नौकरी दिलवाएंगे SP साहब ने ऐसा बोला है SP साहब ने ऐसा बोला है तो आपको अच्छा लगा होगा आपके इतने बड़े अधिकारी आपके गाँव में आए हमारे गाँव में आए हमको अच्छा लगा भैया को बोला हमको अच्छा लगा उनको नौकरी मिल जाएगी तो भैया कुछ कमा के हमको ठिकाने लगाएगा मतलब शादी करवाएगा कितने बहन भाई हैं आप पांच बहना है और चार
अभी तो चार बहने हैं, हम चार रह गई हैं, एक की शादी हुई है पांच में से, और चारों जवान हैं और दो भैया हैं रामपाल, एक छोटा इतना बड़ा है 17 साल का है, वो पढ़ने जाता है तो रत्नागिर का मार्ट साहब उसको कुछ नहीं बताता है तो ऐसा ही चला आता है। तो ऐसी बात है सर कि हमको भैया को नौकरी मिल जाएगी तो हमारा घर चल जाएगा, और उससे मतलब हमको भी कुछ मिल जाएगा, हमारी शादी करवाएगा। हमको पुलिस नहीं सुधरने दे रही है, लोच लोच के खाती रहती है, और हमारे जाते हैं तारीख करने को, झूठे मूठे भी तारीख लग जाती है, तारीख करने जाते हैं वहाँ लूट के 60 बोतल, वहीं बंदूक, वहीं पच फेरे लगा देते हैं, आने नहीं देते हैं पीछे, तारीख करने वाले को पीछे नहीं आने देते हैं। तो पुलिस इसकी जिम्मेदार मानती है। सब ये कहते हैं लाओ 60,000, लाओ 50,000, 25,000, सब हम कहाँ से देंगे इतने रुपए, भले कुछ भी करके लाओ तुम तो। पानी फेरने वाले को भी सर जी ले जाते हैं, उनको भी ले जा रहे, तो भी केस नहीं रहते, जब भी केस बना देते, जब भी कहेंगे लूट कर रहे थे ये तो ये पकड़ के ले गए सब, और क्या हो क्या करा, लूट करी सब, पुलिस वाले कहते हैं ये रात, और हमको जीने नहीं दे रहे सब, पुलिस वाले जीने नहीं दे रहे, इतने इतने बड़े को ले जाए, बच्चे को ले जाए, 10 साल के बच्चे से लगा के स्कूल पे जा रहे, स्कूल से वापस आ रहे, उनको भी पकड़ के ले जा रहे। क्रिमिनलिटी जो है वो हम लोग उसको खत्म करके और इनको जो है वो समाज के मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ सके, खास करके इनकी महिलाएं जो है वो घर पर रहती हैं, तो महिलाओं के साथ में इनसे संपर्क करके, इनसे बातें करके, ये जो इनके बच्चे हैं और साथ साथ में इनके जो पति वगैरह हैं उनको भी वो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनके थ्रू प्रयास करना, ये एक उद्देश्य था। सब लोगों से बात की गई, काफ़ी चीज़ें उसमें से निकल के आई और आगे भी इसमें हम लोग जो है वो प्रयास करेंगे। एक चीज़ हम लोगों ने ज़रूर सभी गाँव वालों को बताया है कि जिन जिन शादियों के ऊपर अपराध नहीं है और जो अभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पुलिस सभी गाँव का 1-to-1 सर्वे भी करेगी और इन लोगों के नाम भी जोड़ेगी, साथ साथ में ग्राम रक्षा समिति में भी इनके नाम लेके आएगी, ताकि ये पुलिस से संपर्क में भी रहे, ताकि लगातार पुलिस का इनके ऊपर वॉच रहे और इनको सुधरने का जो है वो एक अच्छा मौका भी मिल पाए। अगर ये इनका जैसे काफ़ी बातचीत करने के बाद में कुछ कुछ लोग निकल के आए, जिनसे ग्रेजुएशन भी है कि किया हुआ, जो पढ़े लिखे हैं पार्टी, मगर अभी नौकरी वगैरह नहीं है, तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि एक बार इनका पुलिस के साथ जुड़ने के बाद में कुछ 1-2 महीने इनको देखने के बाद में अगर इनका ठीक ठाक बर्ताव रहता है तो ज़रूर इनको कहीं ना कहीं काम दिलाने का भी प्रयास करेंगे। नौकरी है चपरासी की तो नौकरी हो गई, कलेक्ट्रेट में कहीं पर नौकरी हो गई, या पुलिस विभाग में कहीं पर आस पास में अगर हम लोग की संपर्क करके सोशल वर्कर के थ्रू नौकरी होगी, तो ये सब चीज़ें करने का भी प्रयास करेंगे ताकि इनका जो है वो पुनर्वसन भी करने का प्रयास किया जाए। बहुत से युवा ऐसे हैं जो पढ़े लिखे पानी समुदाय के कहते हैं कि पुलिस तो हमारे जवाब में पुलिस द्वारा झूठे आरोप लगा कर फंसाया जाता है, तो इसके बारे में अभी बेसिकली क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी अपराध भी है, लगातार अपराध घटित हुए हैं, 20-20, 25-25, 50-50 अपराध, तो ये बात तो बिल्कुल कहना गलत होगा कि सारे ही अपराध उनके ऊपर झूठे लगे हुए हैं, और अगर इसमें कहीं पे ऐसी कोई चीज़ आती है जिसके अंदर अभी हम लोगों ने देखा कि एक जो है वो पढ़ने वाला बच्चा था उसका किसी अपराध में नाम है, ऐसे 2-3 मामले मेरे नज़र संज्ञान में आए भी है, तो उसमें ज़रूर जो इन्वेस्टिगेशन है वो उस तरीके से हम लोग करवाएंगे प्रॉपर तरीके से, कि अगर उसकी यहाँ पर प्रेजेंस नहीं है और वो एक्चुअल में अगर स्कूल वगैरह में है और आपस की रंजिश की वजह से अगर इस तरीके के नाम इनके अंदर दिखाए भी गए, ज़रूर उसके ऊपर भी हम लोग प्रॉपर यथोचित कार्रवाई करके उनके नाम भी अलग करेंगे, ताकि उनको एक आगे बढ़ने का मौका भी मिले और कहीं पर भी किसी के खिलाफ जो है वो गलत चीज़ ना हो सके, इसके ऊपर भी हम लोग प्रयास करेंगे।